Hey everyone, this is me Khan Raswani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. Student, हमने अपने previous video में discuss किया था plant tissue के बारे में full detail से. अगर आपने नहीं देखा तो आप please मेरे channel पर visit करें, playlist में जाकर access करें. Definitely you're gonna love the video. इस video में हम discuss करेंगे student animal tissue के बारे में. See, animal tissue is further divided into four types. Number one is epithelial tissue, second is muscular, third is connective and fourth is nervous tissue. तो एपिथेलियल टिश्यू स्टूडेंट आप इतना जान लो, जैसे आपने प्लांट टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू में स्टूडेंट एपिडर्मस टिश्यू हमने डिस्कस किया था, है ना. प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने एपिडर्मस टिश्यू डिस्कस की थी. तो सिमिलरली स्टूडेंट एनिमल टिश्यू में भी एपिथेलियल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में जो एपिडर्मस टिश्यू होती है, लगभग इनका फंक्शन सिमिलर होता है. ये दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स. नंबर वन इज स्क्वैमस टिश्यू, नंबर सेकंड इज क्यूबॉइडल टिश्यू, नंबर थर्ड इज क्लोमनार टिश्यू, फोर्थ इज सिलिएटेड टिश्यू एंड फिफ्थ इज ग्लैंडुलर टिश्यू. Now comes second, muscular tissue. See, muscular tissue is further divided into three types: striated tissue, smooth tissue and cardiac tissue. Muscular tissue का major function ये होता है student कि ये human body को, मतलब human body, animal body को ये movement भी provide करेगा और locomotion भी provide करेगा. Locomotion से आप ये समझ लो student कि मतलब मूव करके एक जगह से दूसरे जगह पर जाना. जैसे वी ह्यूमंस, वी एनिमल्स कैन लोकोमोट, राइट. बट प्लांट में लोकोमोशन नहीं होती है, लेकिन प्लांट में मूवमेंट होती है फ्रेंड्स. प्लांट में मूवमेंट होती है. मूवमेंट कैसे होती है, सी जैसे एनिमल्स में होता है ना, हमने फूड लिया, फूड का इंटेक हुआ, फूड पाइप में गया, फूड पाइप से स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में. तो मतलब ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है. और लोकोमोशन होता है कि आप अपने खुद हैंड लिम्स को चला करके एक जगह से दूसरी जगह पर भी आप मूव कर रहे हैं, चल के जा सकते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया स्टूडेंट मूवमेंट एंड लोकोमोशन में. तो एनिमल टिश्यू में मूवमेंट एंड लोकोमोशन मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड करता है. आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स स्टूडेंट. नंबर वन इज एरिओलार टिश्यू, सेकंड इज एडिपोस, थर्ड इज स्केलेटल, फोर्थ इज फ्लूइड. एरिओलर टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स. एडिपोज के कोई टाइप्स नहीं होते हैं. थर्ड इज स्केलेटल, स्केलेटल इज फर्दर डिवाइडेड इंटू बोन एंड कार्टिलेजेस. फोर्थ इज फ्लूइड, फ्लूइड इज फर्दर डिवाइडेड इंटू ब्लड एंड लिम्स. देखो कनेक्टिव टिश्यू, ये जैसे नाम ही बता रहा है कि भैया ये कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना. ये मतलब स्ट्रक्चर देगा एनिमल टिश्यू को, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है. एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू. सो स्टूडेंट हम ये फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू हैं, इनकी अलग अलग से वीडियो होंगी, सबके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे. नर्वस टिश्यू हमारा स्टूडेंट, ये हमारी जो बॉडी एक्टिविटी होती है इसको कंट्रोल करता है. तो फर्स्ट हो गया एपिथेलियल, ये भाई साहब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. सेकंड मस्कुलर, ये भाई साहब मूवमेंट एंड लोकोमोशन प्रोवाइड करेंगे. किस में, एनिमल टिश्यू में. थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, ये स्ट्रक्चर देंगे और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू, इनका काम होगा हमारी बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करना. सो हमारा जो सेशन है स्टूडेंट वो मस्कुलर टिश्यू से स्टार्ट होगा. इस वीडियो में मैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करूंगी. सही, मस्कुलर टिश्यू, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. देखो स्टूडेंट एक मैं आपको शॉर्ट टिप्स देना चाहूँगी. अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और आपको किसी भी चीज़ को समझना है तो सबसे पहले उसका फंक्शन जानो. आप उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल पार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब को साइड में रखो, पहले उनका फंक्शन जानो. फंक्शन अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया तो फंक्शन के अकॉर्डिंग उस सेल का उस टिश्यू में रिक्वायरमेंट होता है. See, it help in movement of body, movement of the internal organs such as heart, lungs, intestine और बहुत सारी चीज़ें हैं. See, जब बात होती है स्टूडेंट मूवमेंट की, मैं यहाँ पर लोकोमोशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मूवमेंट की बात कर रही हूँ. तो मूवमेंट में आप इतना जान लो, मस्कुलर टिश्यू जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. मूवमेंट का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना. आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आर्म्स है ना, ये हैंड है, ओके. तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और फिर इस पिक्चर में आप देख लो ये रिलैक्स कर रहा है, ओके. जैसे मैं एक मुट्ठी को ऐसे क्लोज कर लूँ तो ये
कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, फिर मैं इसे ओपन कर दूँ तो ये रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट का इन शॉर्ट में आप समझ लो स्टूडेंट, मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। जैसे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, तो उसे हम मूवमेंट ऑफ हार्ट भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, मस्कुलर टिश्यू के पास कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने की एबिलिटी होती है, और सिर्फ इसी टिश्यू के पास एबिलिटी होती है जिसके कारण मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। अब देखो भाई साहब, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होती है ये होती है एक प्रोटीन के कारण, और उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है होती है स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से। और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मतलब ही होता है मूवमेंट, और मस्कुलर टिश्यू का तो फंक्शन ही होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन प्रोवाइड करना। अब हमने इतना तो जान लिया कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के ही हेल्प से स्टूडेंट मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है। ओके, अब देख लो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में स्टूडेंट ये एक्टिन एंड मायोसिन के वजह से, ये डीप थॉट है, एक्टिन एंड मायोसिन के वजह से ही स्टूडेंट मस्कुलर टिश्यू हमारा सिकुड़ता है या रिलैक्स होता है, मतलब इसमें मूवमेंट पॉसिबल है। तो एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन आर द मेजर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन मस्कुलर टिश्यू, एंड ड्यू टू दिस प्रोटीन मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। सी, सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये तो हम जान गए भाई साहब कि मस्कुलर टिश्यू की जो सेल है वो प्रोटीन से बनी है। कौन से प्रोटीन से बनी है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनी है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में भी स्टूडेंट जो मेजर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होंगे वो होंगे एक्टिन एंड मायोसिन, और इसके वजह से ही हमारे मस्कुलर टिश्यू में मूवमेंट होती है। तो ये हो गया आपका मेजर फंक्शन मस्कुलर टिश्यू का। अब जो भी हम टाइप्स पढ़ेंगे स्टूडेंट, इनके जो टाइप्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू के, स्ट्रेटेड टाइप्स, स्मूथ टाइप्स, कार्डिक टाइप्स, ये जो टाइप्स पढ़ेंगे स्टूडेंट हम, ये बेसिकली इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जानेंगे कि अगर ये रिलैक्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये कितनी देर तक रिलैक्स होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उनका भी एक अपना टाइम लिमिट तो होगा ना, उनके अकॉर्डिंग हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर कैसे होते हैं भाई साहब, क्योंकि सबकी देखो फंक्शन एक कॉमन है, तभी इनका नाम टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, कि सब मूवमेंट ही प्रोवाइड करेंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। लेकिन कितनी देर तक ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनका टाइप्स होगा, स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इनके फंक्शंस कैसे होंगे। सी, सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। मस्कुलर टिश्यू आर सॉफ्ट टिश्यू दैट कैन ईजली कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। देखो मस्कुलर टिश्यू चाहे वो स्ट्रेटेड हो, स्मूथ हो, कार्डिक हो, डजंट मैटर, ये तो भाई सब सॉफ्ट टिश्यू होंगे। सॉफ्ट टिश्यू होंगे शायद इसीलिए ये ईजली सिकुड़ भी सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट। सी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, लोकोमोशन एंड स्ट्रक्चर, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। नंबर वन इज स्ट्रेटेड, जिसे हम स्केलेटल भी कहते हैं और साथ में वॉलेंट्री भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों हम इसे स्ट्रेटेड भी कह सकते हैं, स्केलेटल भी कह सकते हैं, वॉलेंट्री भी कह सकते हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, डोंट वरी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा स्ट्रेटेड मसल्स पर ही बेस्ड होगा। सेकंड वन इज स्मूथ अनस्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मसल्स। नंबर थर्ड इज कार्डिक मसल्स। कार्डिक्स का मतलब ही होता है स्टूडेंट हर्ट, तो इसने हर्ट में जो मसल्स है उसे हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। अब फुल डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में होने वाला है। इस वीडियो में हमने ये जाना स्टूडेंट कि जो मस्कुलर टिश्यू है, जो एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये मूवमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे बॉडी में। मूवमेंट का मतलब ही होता है या तो कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ये कैसे होंगे? क्योंकि मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है, और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में स्टूडेंट बेसिकली एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में डिस्कस होगी। ये जो मेजर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये पाए जाते हैं मस्कुलर टिश्यू में, और इनके हेल्प से ही मस्कुलर टिश्यू का जो मेजर फंक्शन है, इनका जो मेन काम है मूवमेंट प्रोवाइड करना, वो पॉसिबल होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ओवर देयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।